गिरफ्तार छात्रों की रिहाई की मांग को लेकर बीजेपी के बंगाल बंद का असर दिखना शुरू। सड़क से लेकर रेलवे ट्रैक पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता। ममता सरकार का सभी कर्मचारियों को दफ्तर आने का आदेश, गैर हाजिर होने पर कार्रवाई का निर्देश। कोलकाता रेप और मर्डर केस की सीबीआई जांच तेज। अब मुख्य आरोपी संजय रॉय के दोस्त एएसआई अनूप दत्ता का भी होगा पॉलीग्राफ टेस्ट। कोर्ट से मिली मंजूरी, अब तक 7 लोगों के हो चुके हैं पॉलीग्राफ टेस्ट। देश भर में डॉक्टरों की सुरक्षा पर आज हाई लेवल बैठक। होम सेक्रेटरी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में राज्यों के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी भी होंगे शामिल। भारी बारिश और बाढ़ के बीच गुजरात सरकार ने सेना से राहत और बचाव कार्य के लिए मांगी मदद। सेना ने बारिश से बेहाल इलाकों में राहत बचाव के लिए 6 कॉलम किए तैनात। रूस के साथ जारी जंग के बीच यूक्रेन का बहुत बड़ा दावा। यूक्रेन ने तैयार की खुद की बैलिस्टिक मिसाइल, परीक्षण का भी दावा किया। उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद में 2 सहेलियों की मौत पर सियासी पारा हाई। समाजवादी पार्टी ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, नहीं बचेंगे वारदात के दोषी। यूपी में 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए। गुरु गोरखनाथ धाम के नाम से जाना जाएगा जाय स्टेशन। तो अखिलेश यादव का तंज, नाम नहीं हालात भी बदले बीजेपी। विधानसभा चुनावों की वजह से राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे में बदलाव। 10-12 दिन की जगह 6 या 7 दिन का होगा दौरा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी। कुलगाम में भारी मात्रा में हथियारों के साथ आतंकियों के 6 मददगार गिरफ्तार। पिछले 24 घंटे में आतंकियों के 9 मददगारों पर शिकंजा।